भी है, गरीब भी है, वो ये कि उनके यहां हर क्षेत्र में सब कुछ नहीं होता। कोई एक क्षेत्र में कुछ होगा, कोई दूसरे क्षेत्र में कुछ होगा। यूरोप में मुश्किल से 23 देशों में मात्र 4-5 देश हैं जहां थोड़ा गेहूं होता है, बाकी देशों में गेहूं भी नहीं होता। तो बेचारे वो क्या करते हैं, गेहूं इन्हीं देशों में, थोड़े से देशों में गेहूं होता है, फिर उस गेहूं को ट्रांसपोर्ट करके दूसरे देशों में भेजते हैं, फिर उनसे आटा बनाते हैं, आटे से पाव रोटी डबल रोटी बनती है, बड़े बड़े ट्रकों में भरकर फिर उन देशों में वापस जाती है। तो ट्रकों का आना जाना 80% तो वहां पाव रोटी के लिए होता है। यूरोप की किसी भी बड़ी सड़क पर आप खड़े हो जाइए और गुजरते हुए ट्रकों को गिनना शुरू कर दीजिए सवेरे से शाम तक, तो 80% ट्रक जो गुजर जाएंगे आपकी आंखों के सामने उनमें पाव रोटी और डबल रोटी ही लगी हुई होगी। ट्रांसपोर्टेशन उनका जो मैक्सिमम है वो पाव रोटी और डबल रोटी का है, क्योंकि हर देश में गेहूं नहीं है, हर देश में गेहूं का आटा है। अमेरिका में भी यही हाल है। अमेरिका के कुछ इलाकों में गेहूं बहुत होता है, कुछ इलाकों में बिल्कुल नहीं होता। अमेरिका में गेहूं जहां होता है वहां से भर भर के लाते हैं, बड़े फ्लोर में उसमें डालते हैं, फिर वहां से आटा भर के ट्रकों में जाता है, डबल रोटी के कारखानों में पहुंचाया जाता है, फिर वहां से पाव रोटी डबल रोटी बनती है, डिपार्टमेंटल स्टोर में लाई जाती है, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर लोग खरीद कर लाते हैं। और सामान्य रूप से कोई डबल रोटी और पाव रोटी 3 महीने के पहले उनको मिलती नहीं खाने के लिए, 3-3 महीने पुरानी होती है। अब 3 महीने पुरानी डबल रोटी पाव रोटी को बचा के रखना है तो उसके लिए उन्हें कोई तो सिस्टम चाहिए, इसलिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम हर जगह हर स्थान पर उनके लिए मजबूरी है। ये उनका स्टेटस सिंबल नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। सब्जी मिलेगी नहीं ताजा क्योंकि होती नहीं है, तो दीपावन सब्जी आएगी दूसरे देशों से आएगी, जब आएगी तभी मिलेगी। तो लोगों की मजबूरी है कि हफ्ते हफ्ते भर की सब्जी उठाकर एक साथ लाएं, फ्रीजर में भर के रखें, तो रेफ्रिजरेटर उनके घरों की मजबूरी है, स्टेटस सिंबल नहीं है। और शायद एक फ्रिज में काम न चले तो दो में काम न चले तो 3, क्योंकि हफ्ते भर का सब कुछ इकट्ठा करके रखना। वहां की जिंदगी वीकली है, हमारी डेली है, उनकी वीकली है, हफ्ते की जिंदगी एक साथ चलती है। किसी भी अमेरिकन और यूरोपियन परिवार को देखोगे सामान खरीदने जाएगा तो सैटरडे को ही, जब उनका वीकली ऑफ होता है, या संडे को, तो अगले संडे तक का सब कुछ खरीद के लाए। दूध भी 7 दिन का एक साथ खरीद के लाना पड़ता है, इतने गरीब हैं कि रोज का ताजा दूध भी पीने को नहीं मिलता, रोज का ताजा दूध पीने को नहीं मिलता। जिस दूध के बारे में शास्त्र कहता है कि दूध 1 घंटे के अंदर पी लिया जाना चाहिए, निकालने से 1 घंटे के अंदर पी लिया जाना चाहिए, उस दूध को यूरोप और अमेरिका वाले 7-7 दिन में पी पाते हैं एक बार। ये उनकी कुछ मजबूरियां, उनकी कुछ सीमाएं, वो प्रकृति ने उनको दी है, उन मजबूरियों और सीमाओं में उनकी जिंदगी चलती है। तो उनकी जिंदगी जैसे चलेगी अगर हम वैसे ही करने लगेंगे तो हम महामूर्ख ही साबित होंगे। उनकी जिंदगी को हम स्टेटस सिंबल मानने लगे, किसी उनके घर में फ्रिज है तो हमारे घर में क्यों नहीं, ये तो मूर्खता होगी। हम उनकी जिंदगी का स्टेटस सिंबल बनाए कि वो तो जी टमाटर की चटनी बना के खाते हैं मैगी, जो 3-3 महीने 4-4 महीने पुरानी होती है, हम भी वो मैगी खाएं। जिस देश में रोज टमाटर मिलता हो, सवेरे शाम मिलता हो, ताजा बना के हम 3 बार खाएं, हम फिर मैगी की बोतल खरीद कर लाए, तो ये मूर्खता होगी। हम जिस देश में सैकड़ों किस्म की रोटियां बना सकते हैं, उस देश के घरों में पाव रोटी और डबल रोटी आने लगे, तो ये महामूर्खता होगी। हमें जरूरत नहीं है, हम योगर्ट खाने लगे और आइसक्रीम खाने लगे, वो तो बेचारे गरीब लोग हैं कि उनके पास आइसक्रीम और योगर्ट के अलावा कोई स्वीट डिश है ही नहीं, ले लेके तीसरी एक है वो के। यहां तो हिंदुस्तान में चले जाइए, 74 तरह की मिठाइयां हर शहर में बनती है। ये मुझे एक दिन पता चला जब मथुरा वृंदावन गया तो भगवान कृष्ण को भोग लगाया जा रहा, 64 मिठाइयां हैं। मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया, उनका दिमाग घूम गया मेरा। अकेले बेसन से मैंने देखा 23 मिठाइयां बनी हुई लगती है, काली बेसन। गाजर का एक मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा पंडित जी एक थे, उन्होंने कहा गाजर की 73 मिठाइयां बनती है यहां मथुरा में। दूध से कितनी मिठाइयां, दही और दूध के कितने कॉम्बिनेशन इस देश में। तो यहाँ वेराइटीज हैं, इतनी ज्यादा वेराइटीज हैं,
वो हमारे फंक्शनल होने का प्रमाण है। मैं कभी कभी भारत में घूमता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। आंध्र प्रदेश में पिछले 2 साल से मैं घूम रहा हूँ, आम के अचार 500 तरह के मैंने देखे हैं आंध्र प्रदेश में, 500 किस्म के आम के अचार। आम जो है ना हाईली पैरिशेबल आइटम है, आप जानते हैं, सबसे जल्दी खराब होने वाला है। इस देश की माताओं के हाथ में क्या टेक्नोलॉजी है कि उसको अचार के रूप में 20-30 साल सुरक्षित रख लेते हैं, बिना किसी प्रिजर्व में छिपके, बिना किसी केमिकल। 20 साल का आम का अचार मैंने खाया और अभी भी उतना ही स्वादिष्ट है। और दुनिया के किसी देश में जाकर मैं ये बोलना शुरू करता हूं तो वो पागलों की तरह से देखते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये रोज हमारी जिंदगी में हो रहा है, उनको ये बकवास लगती है, यहां हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती है। तो मैं आपके ध्यान में 2 बातें लाना चाहता हूं, वो ये कि यूरोप भिन्न है, भारत भिन्न है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं, या वो ऊंचे हैं हम नीचे, ऊंचा नीचा का प्रश्न नहीं है, भिन्नता की बात बता। हमारी भिन्नताएं और हर जगह पर है, हमारे पर्यावरण में, हमारे प्रकृति में, सूर्य के प्रकाश में, पानी के साथ, हवा के साथ, हवा तापमान में, हर जगह भिन्नता है। खान पान में भिन्नता है, रहन सहन में भिन्नता है, आचरण व्यवहार में भिन्नता है, यूरोप में बिल्कुल है। और जब हर चीज में भिन्नता होगी तो चिकित्सा पद्धति में भी भिन्नता होगी, क्योंकि चिकित्सा पद्धति तो उसी में से निकली है जो हमारा नॉलेज सिस्टम है। नॉलेज सिस्टम के बाहर तो कोई चिकित्सा पद्धति नहीं आती। तो हमारे नॉलेज सिस्टम एक खास तरह का है, यूरोप का दूसरे तरह का है। उनके नॉलेज सिस्टम में से कोई चिकित्सा पद्धति निकली, हमारे नॉलेज सिस्टम में से हमारे तरह की चिकित्सा पद्धति निकली। तकलीफ कहां हो गई, जब हमने उनकी चिकित्सा पद्धति को, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को, उनके आचार व्यवहार को अपना बनाना शुरू किया, वहीं से हमारा सत्यानाश होना शुरू हो गया। और ये सबसे हुआ जब से ये यूरोपियन हमारे देश में आने लगे। सबसे पहला यूरोपीय भारत में जो आया वो वास्को डी गामा 1492 में, उसके पीछे पुर्तगाली, फिर फ्रांसीसी, फिर डच लोग, फिर स्पेनिश, फिर अंग्रेज, ये आते गए। हम इनके मोह में सबसे चले, हमने उनकी एक ही चीज देखी, गोरा रंग, बाकी कुछ नहीं देखा। उस गोरे रंग के पीछे क्या क्या है वो हमें समझ में भी नहीं आया, तो हम भर गए यार ये तो गोरे रंग वाले हैं, शायद ज्यादा अकल वाले हैं, ज्यादा विद्वान हैं, ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो ये जैसा करते हैं वैसे ही करो। तो उनकी जीवन शैली में शायद शराब सामान्य बात है, क्योंकि ना पिए तो जिंदा रहे हैं, हमने उसको अपने देश में ले लिया कि भाई वो शराब पी रहे तो हम भी पिए। उनकी जीवन शैली में कॉफी और चाय सामान्य बात है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ठंड होगी तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए कॉफी पीनी ही पड़ेगी, कॉइले पीनी ही पड़ेगी, वाइन पीनी ही पड़ेगी, विस्की पीनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा नहीं। एबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैसे रहेगा, जरा सोचो, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे रहेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर से भी पर्यावरण और वातावरण का भी असर रहता है। तो उनको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए कुछ खाना पीना पड़ेगा, वो चाहे उनकी आहार पद्धति और चिकित्सा में आएगा, लेकिन वो जरूरी नहीं हमारे लिए भी हो। वो बिस्की पीते हैं तो हमने भी चालू कर दिया, वो वाइन पीते हमने भी शुरू कर दिया, वो चाय कॉफी पीते हमने भी पीना शुरू कर दिया। अब उनके यहाँ कुछ है नहीं तो वो रोटी गरम रोटी खाते हमने भी शुरू कर दिया, उनके यहाँ कुछ है नहीं तो बिस्किट खाते तो हमने भी खाना शुरू कर दिया। उनको सब कुछ सुरक्षित रखना, 1 हफ्ते तक वो फ्रिज ले आया हमने भी ले आया, वो कुएं में गिर रहे तो हम और ज्यादा तेजी से उनके आगे आ रहे। हमारे साथ ही हो गया पिछले 250-300 साल की अंग्रेजों की गुलामी और 200-250 साल का यूरोप के लोगों का हिंदुस्तान पर असर, इसने कुल मिलाकर ऐसा कर दिया कि हमारा दिमाग खिचड़ी हो गया। अभी खिचड़ी पता है कैसा हो गया, ये खिचड़ी कुछ इस तरह का हो गया कि माता जी पिताजी है राम निवास गायत्री देवी और बेटा है टिंकू, ऐसी खिचड़ी हो गई हमारी। मैं भी पहले के लोगों के घर में जाता हूँ तो पिताजी का नाम राम निवास है, माता जी का नाम गायत्री देवी है, बेटा टिंकू। अब उनको पूछो कि राम निवास गायत्री देवी का वे टिंकू कहाँ से आ गया, ऐसी खिचड़ी हो गई। जिस हिंदुस्तान में एवरीडे संडे उस देश के लोगों ने टाई और थ्री पीस सूट पहनना शुरू कर दिया, ऐसी खिचड़ी हो गई।
جون کے مہینے میں بھینکر گرمی میں میں نے دیکھا ہے دھوبے راجا ٹائی اور تھری پیس سوٹ پہن کے گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھتے ہیں. مور خان پتی یہ گھوڑا جو ہے نا سوٹ پہن کر بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. گھوڑے پر بیٹھنے کی پوشاک ہی الگ ہوتی ہے. جو گھوڑے پر سوٹ پہن کے بیٹھا جاتا تو رانا پرتاپ سوٹ بنواتے اپنے لیے. اور شیواجی مہاراج جب بھی گھوڑے پہ چڑھے تو سوٹ پہن کے ہی چڑھتے اور ٹائی اوپر پہ لگاتے. ہمارا سب کچھ کھچڑی ہو گئی. سوٹ اور ٹائی تو ان کا نقل لے لیا, گھوڑا اپنا لے لیا. آگے ہندوستانی آگے انگریز. اور گھر میں کئی بھی ایسی وچترتائیں دکھائی دیتی ہیں کہ کٹر سناتن ہندو پریوار ہے, بچوں کا جنم دن منا رہے ہیں, کیک کاٹ رہے ہیں, موم بتی لگا رہے ہیں. اب یہ کیک ان کے لیے مجبوری ہے کہ ان کے پاس کیک کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کاٹنے کو. سمسیا تو یہ ہے جس دیش میں دودھ سے ہی سینکڑوں قسم کی مٹھائیاں بنتی ہوں وہاں بھی لوگ کیک کھانے لگے تو صرف پیٹنے کا دل کرتا ہے کہ کہاں چلے گئے. ہمارا کھچڑی ہو, سب کچھ کھچڑی ہو, نہ دال رہی نہ چاول رہی, کھچڑی ہو گئی. یورپ کا کچھ بھارت کا کچھ ملا کے کھچڑی ہو گئی. اب اس کھچڑی میں ہی سب کچھ کھچڑی ہوتا جا. رہن سہن کھچڑی ہوا, کھان پان کھچڑی ہوا. رہن سہن تو اتنا کھچڑی ہوا ہے کہ تھوڑا سا کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو سب سے پہلے ایئر کنڈیشنر لگتا ہے. پوچھو بھیا ضرورت کیا ہے ہندوستان میں ایئر کو کنڈیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو یورپ والے پریشان ہوتے ہیں جب -40 ڈگری ہوگا تو ایئر کو کنڈیشن کرنا ہی پڑے گا نہیں تو لگ جائیں گے. اس لیے ان کو سینٹرل اے سی لگانا بہت آوشیک ہے. اس ہندوستان میں جہاں نارملی ایئر اتنی شدھ ہے پوتر ہے وہاں ایئر کو کنڈیشن کرنا تو وہاں مورکھتا کی نشانی ہے. اب ہم اے سی میں سوئیں گے پھر کہیں گے سر درد ہوتا ہے. وہ نہیں والا ہے کیونکہ پرکرتی کے وروتھ ہے. آپ کے اے سی میں بیٹھ کر سویرے سے شام تک کام کریں گے پھر کہیں گے مائگرین ہوگا, وہ تو ہونے ہی والا ہے. تو ہم نے اپنی پوری جیون شیلی کو آچرن کو رہن سہن کو سب کو کلب کر دیا, مکس کر دیا, کھچڑی بنا دیا. دال چاول الگ الگ رہتا تو بہت اچھا تھا, وہ مکس ہو گیا ہے. اب مشکل یہی ہو رہی ہے. تو یہ ہر جیون کے چھیتر میں دکھائی دے رہا ہے. اب میں آتا ہوں آج کے مکھیہ وشے پر, یہ جو بھومکا تھی کہ چکتسا میں اور کھان پان میں بھی یہی کھچڑی جو آئی اس نے ہمارا ستیاناش کر دیا. پتا کیسا ستیاناش کیا؟ چھوٹے چھوٹے کچھ ادھارن سے بتاتا ہوں. یوروپ کے کسی بھی دیش میں میں نے آپ سے کہا کہ آلو اور پیاز اس کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں, تو جو بھی کچھ ہوگا باہر سے آئے گا. اب باہر سے وہ کچی سبزی خریدے پھر ان کو اپنے دیش میں پکا کر بیچے تو ان کو ٹیکنالوجی معلوم نہیں, تو اب انہوں نے کیا کیا ہے دوسرے دیشوں سے سیدھے سبزی بنوا کر خریدتے. تو وہ سبزی اگر وہ خریدیں گے تو نمک ملا دیا اگر آپ نے سبزی بناتے سمے تو وہ تو 2-3 دن سے زیادہ ٹکنے والی ہے. نمک جو ہے نا سبزی میں اگر پڑ گیا تو یہ سبزی کو ٹکنے نہیں دے گا. زیادہ سے زیادہ 2 دن کتنے بھی اچھے سے اچھے فریزر میں رکھو 3 دن بعد تو ہونے والی ہے خراب. تو یہ یورپ اور امریکہ والے بیچارے کیا کرتے ہیں جن دیشوں سے یہ بنی بنائی سبزیاں خریدتے ہیں جیسے بھارت سے خریدتے ہیں, افریقہ سے خریدتے ہیں, لیٹن امریکہ سے خریدتے ہیں, تو ہمارے یہاں بھی جو کمپنیاں ان کو سبزی بیچتی ہیں نا ان میں سے میرا دوست بھی ہے ممبئی میں وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کو انسٹرکشن آتے ہیں کہ بھائی سبزی ڈبے میں پیک کرنا تو نمک نہیں ملانا کیونکہ آپ ملائیں گے تو ہماری یہ خراب ہو جائے گی. تو ان کو یہاں سے سبزی جاتی ہے بنا نمک کے ڈبا بنے. اب وہ سبزی جب کھائیں گے اپنی پلیٹ پر پروسیں گے تب اس میں الگ سے نمک ملائیں گے. یہ تو ہوگا تو ان کی سبزی اگر وہ کھائیں گے تو باہر سے نمک ملائیں گے. ہم ہماری سبزی پکاتے سمے ہی نمک ملاتے ہیں. دونوں میں زمین آسمان کا انتر ہے. سبزی کو بناتے سمے دال کو پکاتے سمے جو نمک آپ نے اس میں ڈالا ہے اور بنی بنائی سبزی کے بعد میں الگ سے نمک ڈالا ہے دونوں میں زمین آسمان کا انتر ہے. اور اتنا ہی انتر ہے کہ ایک طرف آپ دیسی گائے کا گھی کھائے اور دوسری طرف دال رکھا. آپ جانتے ہیں نمک جو ہے مسالہ نہیں ہے, میڈیسن ہے, اوشدھی ہے. اور نمک میں مائکرو نیوٹریئنٹس ہیں اور ایک نہیں ہے 18 مائکرو نیوٹریئنٹس ہیں نمک میں. سوڈیم ہے اس میں, کیلشیم ہے اس میں, پوٹیشیم ہے. شریر کو جو مائکرو نیوٹریئنٹس کی آوشیکتا ہوتی ہے روز وہ نمک میں ہے. تو یہ جو مائکرو نیوٹریئنٹس ہیں سوکشم پوشک تک, تو جب آپ سبزی کو بناتے سمے نمک اس میں ڈالیں گے تو مائکرو نیوٹریئنٹس کی بھرپور پوشکتا آپ کو ملے گی
اور جو باہر سے نمک ڈال کر کھائیں گے تو وہ سیدھے بلڈ پریشر ہی بڑھائے گا اور کچھ نہیں کرنے والا. یہ باہر سے ڈالا ہوا نمک سبزی یا دال میں کبھی بھی کھائے تو سیدھے بلڈ پریشر بڑھائے گا, کیونکہ مائکرو نیوٹرینٹس کی جو پوشکتا ملنی چاہیے وہ نہیں ملنے والی. ہم جو نمک پکاتے سمے ڈالیں گے اس میں مائکرو نیوٹرینٹس پریاپت ہوں گے. تو ہم ہندوستانی ہزاروں لاکھوں سال سے یہی کرتے تھے. میں نے میرے بچپن میں میری ماں کو دیکھا, میری دادی ماں کو دیکھا, کھانا بناتے سمے میں نے سبزی اور دال بناتے سمے نمک ڈالتی تھی. ہمارے باہر سے نمک مانگتے تھے تو ڈانٹتی تھی دادی. تیرا دماغ خراب ہو گیا, سمجھتا نہیں ہے کچھ, وگیان پڑتا ہے, تھوڑی بھی وگیان نہیں سمجھتی, یہ باہر سے نمک نہیں ڈالا جاتا. اب دادی کو میں ایکسپلینیشن پوچھتا تو وہ بتا نہیں پاتی, کیونکہ کوئی پی ایچ ڈی تو کیا نہیں اس نے, یونیورسٹی تو گئی تھی, لیکن اس کو اتنی فنکشنل نالج ضرور تھی کہ نمک باہر سے نہیں ڈالا جاتا. تب میں نے دھیان دینا شروع کیا کہ بھارت میں جتنے بھی مندر ہیں جہاں پر پرساد بنتا ہے بھگوان کے لیے, وہاں نشدھ ہے نمک باہر سے ڈالنا. میں ایک بار پوری کے مندر میں گیا, پوری صاحب مجھے پرساد چڑھانا تھا. آپ جانتے ہیں پوری کے مندر میں دال اور چاول کا پرساد چڑھتا ہے, دال بناتے ہیں ہانڈی میں, چاول بناتے ہیں ہانڈی میں, دونوں کو ساتھ لے جا کے بھگوان کو پرساد دیتے. تو ہوا کیا کہ اس نے دال بنا کے چاول بنا کے دیا, تو دال بناتے ہی سمے نمک ڈال دیا. میں نے کہا بھائی میں نمک الگ سے لیتا ہوں, اس نے کہا پاگل ہو گئے, بھگوان کو نہیں چڑھایا جاتا. باہر سے نمک ڈال کر دال بھگوان کو نہیں چڑھتی, اپوتر ہو جاتی ہے. تب میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ پنڈت بھی کتنا گیان وان آدمی, اس نے کوئی ایم بی بی ایس اور ایم بی کا کورس نہیں کیا ہے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ باہر سے نمک نہیں ڈالا جاتا, بھگوان کو نہیں چڑھایا جاتا. کیوں؟ کیونکہ بھکتوں کو نہیں کھلایا جاتا تو بھگوان کو کیسے کھلا. اب یہ گیان ہمارے یہاں ہے, یوروپ میں نہیں. یوروپ میں کسی بھی گھر میں چلے جائیے, کوئی بھی ہوٹل میں چلے جائیے, کھانا جب آپ کے پاس آئے گا تو الگ سے نمک کی شیشی ساتھ میں آئے گی, یا تو میز پہ ہی رکھی رہے گی, اس میں سے آپ نمک ڈال لیجیے. اور یہ باہر سے نمک ڈالنے والے 100% ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے ہی, دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو ان کا ہائی بلڈ پریشر آیا اس پدھتی سے, ہم نے بلا لیا اپنے آپ. ہمارے گھروں میں بھی اب یہ نمک کی شیشی رکھ گئی ہے ڈائننگ ٹیبل پہ, کیونکہ نقل کرنے میں تو ہم سے پیچھے نہیں ہیں. کبھی اکل لگا کے سوچا نہیں کہ جس دیش کے دال اور سبزی میں پہلے سے ہی نمک ڈلتا ہے وہاں ڈائننگ ٹیبل پہ کیوں رکھنا. تو ہم نے رکھنا شروع کر دیا, اسے ڈالنا شروع کر دیا, اور وہ ڈالتے ڈالتے عادت میں آ گیا. اب ہندوستان میں 5.5 سے 6 کروڑ مریض ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہیں, کیونکہ نقل کیا ہوں. ایسے بیماری آتی ہے, ایسے ہمارا سنتولن جاتا ہے. اب یہ سنتولن گیا ہمارا, اس سنتولن کے چلے جانے سے بلڈ پریشر کے ہم مریض ہو گئے. اب بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے تو لو بھی ہوگا ہائی بھی ہوگا, اس کو کیا کریں گے. اب ہائی ہو گیا, لو ہو گیا, لو بھی ہو گیا. اب ہم نے اس کے علاج کے لیے سوچنا شروع کیا تو اپنا دماغ اپنے روٹس میں تو جاتا نہیں, اپنی جگہ میں تو جاتا نہیں. انہوں نے کچھ گولیاں بنائی ہیں ہائی بلڈ پریشر کی یا لو بلڈ پریشر کی, وہ کھانا شروع کر دیا. اور اب ہم کہیں کہ بھائی کیا کریں, گولی تو کھانی ہی پڑے گی, گولی تو کھانی پڑے گی, کیا کریں. ذرا اصل کو سوچنا شروع کریں کہ آیا کیوں بلڈ پریشر ہم کو, تو آیا ہماری غلطی سے. اب وہ غلطی پہ دوسری بڑی غلطی ڈاکٹر کر رہا ہے. آپ گئے, اس نے 18 گولیاں لکھ دی, 4 صبح کھا لینا, 4 دوپہر کو, 4 شام کو کھا لینا, گولی ہی گولی کھا لینا, سبزی وبزی کھانا بند کر دو, گولی کو سبزی کی طرح سے کھانا شروع کر دو. اب وہ 18 گولی لکھنے والا ڈاکٹر ہمارے لیے بہت مہان ڈاکٹر ہو گیا, کیونکہ 18 گولی کھلا رہا ہے ایک ساتھ, اور اوپر سے 500 روپے فیس بھی لے رہا ہے. اور اسے پوچھو ڈاکٹر گارنٹی ہے, کہتا جی کچھ گارنٹی نہیں, زندگی بھر کھاؤ. ایسے بولتا ہے نا بلڈ پریشر کی دوا کے لیے ڈاکٹر, زندگی بھر کھاؤ. ارے زندگی بھر کھانی ہے تو یہ دوا کیا ہوئی, یہ تو بھوجن ہو گیا. زندگی بھر تو بھوجن کھایا جاتا ہے, دوا نہیں کھائی جاتی. دوا تو 2-4 دن کھائی جاتی. دوا کا اتنا ہی مہتو ہے کہ شریر کا جو اسنتولن ٹوٹا اس کو واپس انتولن میں لانے میں مدد کر دے. زندگی بھر کے لیے تھوڑی ہوتی ہے, لیکن ہم نے زندگی بھر لگا لیا اپنے ساتھ. اب زندگی بھر ہم وہ جو دوا کھا رہے ہیں, وہ دوا ہم کو کیا کیا کرے گی وہ آپ نہیں جانتے, ڈاکٹر جانتا ہے. کیا کیا کرنے والی ہے ہائی بلڈ پریشر کی سب دوائیں کیا کرتی ہیں بتا دوں آپ کو ایک چھوٹی سی جانکاری.
हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो साधारण भाषा में बात करता हूँ, विशेषज्ञ की बात नहीं करूंगा, जल्दी समझ। ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो डॉक्टर के पास एक ही विकल्प है कि आपके शरीर से पानी बाहर निकालते हैं, दूसरे शब्दों में आपके शरीर में पानी बढ़ गया। ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो शरीर में पानी बढ़ गया, ये है। तो पानी निकलना चाहिए, तो जितनी गोली आपको खिलाई जाएगी वो पानी निकालने वाली ही होगी। तो आपने महसूस किया हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते ही पेशाब बार बार आता है, जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ता है, क्योंकि वो पेशाब का निकलना है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता, गोली कुछ नहीं कर रही। अब आपको आदत लग गई, अभी आदत में से आपको दूसरी कोई बीमारी शुरू हो गई, मान लो डायबिटीज हो गया, मान लो अर्थराइटिस हो गया, किसी दिन किडनी डैमेज हो गई, किसी दिन लीवर डैमेज हो गया, क्योंकि एलोपैथी में जो दवाएं हैं उसको एलोपैथी के डॉक्टर खुद कहते हैं कि हमारे पास दवा कुछ नहीं है, जो भी है वो जहर है, आपके शरीर में कितनी ताकत है इस जहर को बर्दाश्त करने की, ये महत्व की बात है। बस है सब जहर हमारे पास। अमेरिका का एक बड़ा डॉक्टर है जिसके साथ पिछले 2-3 साल से मैं वार्तालाप कर रहा हूँ ईमेल के माध्यम से, उसका नाम है डीन ओरमिश। वो इस बात को पूरी गंभीरता और दावे से कहता है कि एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, जो है वो सब जहर है, गारंटी हमारी कुछ नहीं है, आपको अपने शरीर का भरोसा है कि ये जहर को झेल लिया तो जिंदा रहोगे, नहीं झेल पाए तो चले जाओगे, दवा हमारे पास कुछ नहीं। तो कहता दवा तो आपके ही पास होगी, मानी भारत के पास होगी, हमारे पास तो नहीं। अब जिनके पास दवा ही नहीं है हम उनके पीछे घूम रहे हैं टॉर्च लेके कि भैया दे दो कुछ दवा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। उनके पीछे घूम रहे वाले एमबीबीएस पढ़े हुए, एमपी पढ़े हुए, जो यूरोप का ज्ञान है और यूरोप का विज्ञान है उसको पढ़कर तैयार हुए डॉक्टर जिनको पढ़ाया गया है एक खास तरह के वातावरण और पर्यावरण के विज्ञान के लिए। आप जान लीजिए यूरोप और अमेरिका में विकसित हुआ विज्ञान है एमबीबीएस एमडी एमएस, और ये हमने पर्यावरण और वातावरण का ध्यान रखते हुए बनाए, उसमें वो पढ़े हैं और वहां भी पढ़ी हुई बातें आपके ऊपर लागू कर रहे हैं, तो वहां भी खिचड़ी हो रही है और वो ऐसी खिचड़ी हो रही है कि आप हंसे या रोए आपको समझ में नहीं आता। कोई एमबीबीएस एमडी डॉक्टर कहेगा भैया घी कभी मत खाना मर जाओगे, क्योंकि यूरोप में अगर कोई घी खाएगा तो मर ही जाएगा। जानते हैं क्यों? यूरोप में मैंने आपसे कहा 8 महीने बहुत ठंडी है, नॉर्मल टेम्परेचर बहुत कम होता है, घी को डाइजेस्ट होने में बहुत मुश्किल आती है। भारत में नॉर्मल टेम्परेचर काफी अच्छा है, घी का डाइजेशन परफेक्ट हो सकता है, इसलिए हमें घी खाना तो बहुत जरूरी है, उनके लिए घी जहर है हमारे लिए अमृत है। अब हम उनकी नकल में फंस गए और ऐसे फंस गए कि हर एक को डरा रहा है डॉक्टर है घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मत खाना। अपनी जो थी आराम की थी, शांति की थी, हर काम हम आराम से करते हैं और शांति से करते, खाना भी खाओ तो बुजुर्ग कहते हैं धीरे धीरे खाना भाई जल्दी मत कर, तो खाना भी धीरे धीरे खाना, कहीं जाना हो तो धीरे धीरे जाना जल्दी मत करना, कुछ करना है तो धीरे धीरे करना है जल्दी मत करना। हमारे यहाँ जल्दी किसी चीज की नहीं है और यूरोप अमेरिका में हर चीज की जल्दी है, और अगर आपने जल्दी नहीं की तो पिछड़ जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, सिस्टम ही खत्म कर देगा आपको। इस टेंशन में हर आदमी वहां जी रहा है, तो सवेरे 7 बजे फैक्ट्री में पहुंच जाता है काम पर, रात 7 बजे तक काम करता है, जाने और आने में 4 घंटे और खर्च करता है। अमेरिका और यूरोप में मैंने देखा है लोग कितने मुश्किल में जीते हैं, सोच नहीं सकते आप। सामान्य रूप से फैक्ट्री में काम करने वाले 90% लोग हैं जो नौकर की तरह से रहते हैं, अमेरिका और यूरोप में 90% नौकर है। इनको अमेरिका जाना है, फैक्ट्री 7 बजे चालू हो जाती है, जिस देश में साल में 8 महीने सूरज न निकलता हो वहां सवेरे 7 बजे फैक्ट्री का चालू होना कितना त्राप है जरा सोचो इसको। और 7 बजे फैक्ट्री में पहुंचना है तो 5 बजे घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि घर और फैक्ट्री में कम से कम 100 मील की दूरी, 5 बजे घर छोड़ना पड़ेगा, 5 बजे घर छोड़ने के लिए 4 बजे उठना ही पड़ेगा, और 4 बजे उठने के लिए कम से कम 8 बजे सोना जरूरी है, लेकिन 8 बजे कोई नहीं सो पाता वहां, क्योंकि फैक्ट्री से लौटने में ही 9 से 10 बज जाते, नींद पूरी नहीं हो रही है, टेंशन में नींद ले रहे हैं, बीमार नहीं बनेंगे तो क्या होगा जरा सोचो। हमारे यहाँ कहा गया है अच्छा भोजन और अच्छी नींद बहुत आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ना तो अच्छा भोजन मिल रहा है ना अच्छी नींद मिल रही है, और टेंशन कितना जबरदस्त है। मैंने वहां की माताओं को देखा है,
पुरुष और महिला पति पत्नी हो या लिविंग रिलेशनशिप में हो, जैसे भी हो, दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। अगर दोनों नौकरी नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा। तो पत्नी को भी काम पे जाना है 7 बजे, पति को भी काम पे जाना है 7 बजे, तो 7 बजे काम पे जाना है, रात को 9-10 बजे लौटेंगे, तो पति पत्नी नॉर्मल क्रियाओं से भी वंचित है जिंदगी में। साधारण जीवन को चलाने की जो क्रियाएं है ना पति पत्नी की, उनसे भी वंचित है, क्योंकि ईश्वर और टेंशन इतना ही करेगा। तो पति पत्नी अपने जीवन की साधारण क्रियाओं के लिए भी 1-1 हफ्ते 15-15 दिन इंतजार करते हैं, कोई दिन छुट्टी मिले, भरपूर नींद लें, उसके बाद कुछ करें। ये तो उनकी बेचारगी है। और उससे भी बड़ी बेचारगी जब छोटे बच्चे हो जाए ना, तो और भी तकलीफ। बच्चों को घर रख नहीं सकते, दोनों को काम पे जाना है, आया घर में पाल रहे, ऐसी हैसियत 90% लोगों की नहीं है। आया को घर में रख सके किराए पर, ऐसी हैसियत 90% लोगों की नहीं है। तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्रैश में छोड़ते हैं। तो मैंने वहां देखा माताओं को सवेरे 4 बजे गाड़ी चलाते हुए निकलती है, उनका छोटा सा बच्चा है, गाड़ी की जो सीट होती है ना सीट, उस पर कपड़े से उसको बांध के रखते हैं, क्योंकि घोर पर ऐसे ही रखते। 3 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, गाड़ी की सीट से बांधा हुआ है, स्कूल से गाड़ी दौड़ती जा रही है, उस बच्चे को क्रैश में छोड़ना है, इसका टेंशन है। क्रैश से छोड़कर फिर फैक्ट्री में पहुंचना है 7 बजे, उसका टेंशन है। शाम को 7 बजे फिर फैक्ट्री से बच्चे को लेने जाना है क्रैश में, उसका टेंशन है। रात को लाके थोड़ा दूध दूध पे लाके सुला देना, फिर सवेरे उस बच्चे को छोड़कर आना है। ऐसी जिंदगी सालों साल चले, आप सोचो पागल हो जाओगे। आपको मैं तो देख ही पा रहा हूं, मैं सोचता हूं कितना सुखी है हम लोग। हमारे घर में किसी 2-3 महीने का बच्चा है तो ऐसा टेंशन मैंने तो किसी घर में नहीं देखा। दादी है, दादा है, नाना है, नानी है, बुआ है, फूफी है, मौसा है, मौसी है, जॉइंट फैमिली है, और जो बोल रही है तो पड़ोसी जिंदाबाद। हाँ, हमारे यहां तो पड़ोसी जिंदाबाद, सारी सेवाएं मुफ्त में करने को तैयार। सामने से आके आपके बच्चे को उठा के छाती से चिपका के ले जाएगा, जैसे उसी का बच्चा है। दिन भर उसको अपने बच्चे की तरह से गली में लगाएगा, शाम को सम्मान से वापस ले जाएगा। वो कहेगा जी मुझे बहुत मजा आया आपके बच्चे के साथ खेलने में। पैसा कोई नहीं मांगेगा आपसे। अमेरिका में इतनी सर्विस अगर देगी तो $500 मांग लेगी वो महिला, के दें तो $500 है मुझे। ऐसा सुख का जीवन इस देश में, अमेरिका और यूरोप में कहीं भी चले जाइए, धोबी को कपड़े देने हैं धुलने के लिए तो घर कोई नहीं आता, आपको जाना पड़ेगा। प्रेस करवानी है, घर कोई नहीं आएगा, आपको देकर आना पड़ेगा। दूध खरीदना है, घर में देने कोई नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। यहाँ ये सब कुछ घर के दरवाजे पर है, और चिल्ला चिल्ला के बेचारे लेके जाते हैं, बाबू जी भाजी ले लो, सवेरे भी आएगा, शाम को भी आएगा, और जो बार कड़वी बात सुना दी तो भी उसको समझे या दूसरे दिन फिर आएगा, तीसरे दिन फिर आएगा। वो कहेगा बाबू जी भले भाजी मत लो, लेकिन संबंध तो बना रहने दो। धोबी भी घर आके कपड़े ले जाता है, भाजी भी घर में मिल जाती है, दूध वाला घर में दूध आके ले जाता है, और अद्भुत इस हिंदुस्तान में है कि बाल बनाने वाला नाई घर में आके बना के चला जाता है। अमेरिका में किसी को बोले तो बोलते कि भाई नहीं बोल नहीं सकता कि नाई घर में आके आपकी दाढ़ी बना जाए। यहां सब कुछ अपने पास है, फिर हम पागलों की तरह से उनके पीछे लग गए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इसी में से बीमारियां निकल रही हैं, इसी में से स्ट्रेस आ रहा है, मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, और इसी में से परेशानियां इतनी बढ़ रही हैं। अब हम वहां तक पहुंच गए हैं कि हमने उनके जैसा अपना परिवार भी बनाना शुरू कर दिया है। यूरोप में पति पत्नी अलग रहते हैं, तो हमने अपनी माता पिता से अलग रहना शुरू कर दिया है। थोड़े दिन में वहां भी अलग होना शुरू हो जाएगा। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब इस देश में ज्वाइंट फैमिली देखने को नहीं मिलती है। न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली, और सिंगल फैमिली वाले इतने परेशान है अपने बच्चों को बड़ा करने में। दादा दादी का प्रेम नहीं, नाना नानी का प्रेम नहीं, मौसा मौसी फूफा फूफी का प्रेम नहीं, और जो दादा प्रेम से सिर पे हाथ फिराता है किसी बच्चे को, उसका जो स्पर्श का सुख है वो अमेरिका के किसी बच्चे को नहीं। आप जानते हैं अमेरिका के बच्चे स्पर्श के लिए तरसते हैं, माँ का स्पर्श नहीं, बाप का स्पर्श नहीं, दादा दादी नाना नानी का तो कोई कल्पना ही नहीं करता। और जिस बच्चे पर प्रेम से दादा दादी ने हाथ ही नहीं फेरा है तो बड़ा होके या तो माइकल जैक्सन बनेगा या तो
रिवॉल्वर और बंदूक चलाने वाला बने। तो ज्यादातर बच्चे वहां के वायलेंस में है, हिंसा में है और वल्गैरिटी में है। और अमेरिका और यूरोप की जेलों में 70% कैदी बच्चे हैं, बड़े नहीं है।